साल से इनको बोल रहे बुआ ले चलो बुआ ले चलो, गर्मी है, कोविड फैला है, इसके लिए नहीं है गर्मी, इसके लिए नहीं है कोविड, हमारे लिए सब कुछ है। हरिद्वार गोवा का, हरिद्वार का देखो ये गोवा जाएगी हाँ, और मैं हरिद्वार जाऊंगी। दीदी एक मिनट, इन्होंने मुझे बेवकूफ बना के हरिद्वार की बुकिंग करा दी। कोई बात नहीं, जाऊंगी तो मैं गोवा ही। अच्छा सुन, मैं तो कुछ बात बताऊं, तो बहुत बड़ी गलती कर रही है। गलती? अभी तो वहाँ बहुत गर्मी होगी, अभी तो वहाँ पे 50 डिग्री टेम्परेचर होगा। पर डील निकली है जिसमें ना अगर हम इधर से जाने के पैसे लगा कर हम जाते हैं तो उधर से आने का फ्री, और होटल साइड टिकट फ्री है। हाँ, वन साइड टिकट फ्री है, और होटल में ना 4 दिन का होगा तो 2 दिन का हमारा पैसा जाएगा और 2 दिन का फ्री खाना भी फ्री। तेरा ये जो चेहरा है ना, ये पूरा काला पड़ जाएगा, तेरी गर्दन के नीचे गोरा गोरा और ऊपर सारा काला काला, लंगूर जैसा काला हो जाएगा। पूछ क्यों? क्योंकि गोवा में इस समय बहुत गर्मी होती है, तभी तो होटल वाली ऐसी डील देती है कि भाई आपको जा ही नहीं रहा, और रेत इतनी गर्म हो जाती है धूप के अंदर, तू पाँव रखेगी ना तेरे पाँव में फफोले उग जाएंगे। इससे अच्छा तो तू हरिद्वार चली जाती, सच हरिद्वार में ठंडा ठंडा पानी, जय गंगे मैया करते, जय जय जय। तो क्या करेगी, हरिद्वार चली जा, हरिद्वार जाएगी। अच्छा तेरे को एक बात तो मैंने बताई नहीं, देखो तो यहाँ से एरोप्लेन से जाएगी ना, हवाई जहाज से जा रही है ना, तो हवाई जहाज से कितने, तेरी कब की फ्लाइट है, सुबह की है रात की? रात की। रात की फ्लाइट बुक करा दी। देख तेरा बॉयफ्रेंड, देख रात को तो पहले देख तू यहाँ से टैक्सी करके या ऑटो करके या बस पे, जैसे भी तू मेट्रो से जैसे भी तू पहुंचेगी एयरपोर्ट तक। अब पहली बार तो जा रही है, तेरे को कुछ पता वता तो है नहीं, तो अंदर जाएगी, चेक इन होगा, तेरी टिकट चेक होगी, तेरा आधार कार्ड चेक होगा, मतलब सब चेक होता है, फिर टिकट मिलती है। उस बाद तेरे को इतना चलना पड़ेगा। उसके बाद एरोप्लेन के पास तू पहुंचेगी, तू कहेगी वाह पहली बार जिंदगी में मैं एरोप्लेन देख रही हूँ, तुझे खुश होगी। हाँ होगी ना, लेकिन एरोप्लेन में जाएगी वो कहेंगे नमस्कार, जैसे मान लो जिस भी कंपनी की एरोप्लेन में तू बैठ रही है, नमस्कार टाटा डे आपका स्वागत करते हैं, कृपया अपनी सीट के पेटी बांध ले, ठीक है? पेटी मतलब वो पेटी नहीं जो ट्रंक होता है, बेल्ट को पेटी कहते हैं हिंदी में, ठीक है? अच्छा। तो वो तुझे कहेंगे, अब क्या होगा, वो एकदम से तेज से चलेगा, शूम करके उड़ जाएगा। एक बार तुम बादलों से ऊपर पहुंच गए, नीचे तो कुछ नजर ही नहीं आता, चारों तरफ काला अंधेरा अंधेरा, तो जहां देखेगी ना यहाँ देखेगी अंधेरा, तुझे सिर्फ प्लेन के अंदर नजर आएगा, और वहाँ इतनी एरोप्लेन में ठंड होती है, तो कोई एसी में बैठने की आदत है नहीं, तेरे जो ये रोंगटे है ना ये उखड़ जाएंगे, तेरी हाथों की वैक्सिंग हो जाएगी ठंड की वजह से। उसके बाद तू कह रही तो रहेगी ताज होटल में, हाँ सॉरी पहले एरोप्लेन की बात तो पूरी कर लो, पहले वो उड़ेगा 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 उड़ेगा, फिर वो उतरेगा 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 उतरेगा, अब उतर गया, उतरने के बाद में तुम उतरोगे, हाँ वो तेरे को उल्टी का बैग देंगे 2 घंटे, तो उल्टी का बैग पकड़ के 2 घंटे भी नहीं, 2.5 घंटे, 2.5 घंटे तो उल्टी का बैग पकड़ के कितना पक जाएगी। उल्टी का बैग क्यों आएगा? अरे जब किसी को उल्टी आ जाती है तो उसको एक बैग सा देते हैं, होती है उसके लिए अलग से, तो कहाँ बाथरूम भागेगी, 2 ही तो बाथरूम होते हैं, 2 आगे 2 पीछे, अब इतने सारे लोग होते हैं, किसी को 4-5 लोगों को एक साथ उल्टी आ गई तो सारे बाथरूम तो ब्लॉक हो जाएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं बैग दे देते हैं कि जिसको उल्टी उसी के अंदर रख लो, ठीक है? फिर देखो उल्टी उल्टी आई अगर तो उसमें उल्टी करेगी, उल्टी को पकड़ के बैठी रहेगी 2-3 घंटे, फिर तेरा एरोप्लेन नीचे उतरेगा, तेरा जी भी खराब हुआ पड़ा होगा। उसके बाद में तू वहां जाके जब पहुंचेगी नीचे उतरेगी, फिर तू वेट करेगी अपने थोड़े से सामान के लिए कि कब आएगा, फिर फाइनली तेरा सामान आएगा, तू बाहर निकलेगी, फिर तू टैक्सी करेगी या तू बस करेगी, और जैसे भी करके तू अपने ताज होटल तक जाएगी या तेको गाड़ी लेने आएगी, ठीक है? जितनी देर में तू इतना सारा ट्रैवल करेगी, तू हरिद्वार में जाकर हर की पौड़ी पे हर हर गंगे कर रही होगी, कितना तेरा समय बचेगा, और गंगा मैया के पास बैठ के वो जो ठंडी ठंडी हवा चलती है, और वहां पे ना पॉलिथीन में आम डाल लो, गंगा मैया के अंदर डुबो दो, हाई वो आम बर्फ जैसे हो जाते हैं ठंडे ठंडे, उसके बाद जब तू खाएगी कितने टेस्टी लगेंगे। और एक और बात आती हूँ, तू नॉनवेज तो मेरे ख्याल से नहीं खाती ना?
नहीं, मच्छी चिकन वेजिटेरियन हूँ दीदी। तो गोवा में तो ये सब क्रैब, मच्छी, ये चिकन, मटन, ये सब मिलता है। क्यों दीदी, वहाँ पे अच्छा खाना नहीं मिलता क्या? मतलब ठीक है, मतलब वहाँ पे ये सब चीजें ज्यादा मिलती है, समुद्र के पास की जगह तो सी फूड ज्यादा मिलता है ना। अब तो जाओ हरिद्वार, छुट्टी वाले के यहाँ पे खाना खाए, छोले भटूरे, पूड़ी आलू, कचौड़ी और मीठी मीठी लस्सी, कुल्फी, फलूदा कुल्फी, मजा ही आ जाएगा तेरे को। तेरी बहन को, तेरी बहन कैसी है? तेरी बहन का काम आना उधर जाने का, कहा तेरी बहन खुश है? अरे दीदी वो तो एकदम गौ है, गौ। तो उस गौ को हरिद्वार लेके जाना, पागल हुआ तो उसे समझ ही नहीं आएगा। वो ऐसी हो जाएगी कि हम कहाँ आ गए इतनी गर्मी में, सर तुम्हारा और चकरा जाएगा। और हॉस्पिटल कह रही हो, और 5 सितारा होटल में रहोगे तो ठंड इतनी लगेगी तुम लोगों को कि ये तो तेरे बाल है बाजू के, ये उखड़ जाएंगे, वैक्सिंग हो जाएगी तेरी परमानेंट वाली। तो मेरी बात मान, तू जो है ना गोवा मत जा, तू अपनी टिकट कैंसिल करा दे, तू चली जा हरिद्वार। देख 5-6 घंटे में पहुंच जाते हैं, 5-6 घंटे में पहुंच गए, जाके अपना तट के पास ऊपर होटल लिया, ठीक है, और यू फट करके नीचे आ गए, और जय गंगे मैया। और जब इतने पाप तूने किए हैं, तेरे पाप कहाँ धुलेंगे? मैंने पाप किए? अच्छा एक बात बता, ये तो मैं बड़ी शरीफ हूँ, कुछ कहती नहीं हूँ, तू हमारे घर में काम करती है, तनख्वाह भी लेती है, पर काम किससे करवाती है? आपसे। बात कर रही है ना, ये तो मैं बुरा नहीं मानती, क्योंकि मुझे पतला होना है, तो मैं सोचती हूँ चलो मैं काम कर लूंगी तो पतली हो जाऊंगी, और फिर मैं तुझे तनख्वाह दिए जा रही हूँ। तू तो पाप कर रही है ना, तूने उस दिन मेरा फाउंडेशन उठाया, तो को क्या लगता है मुझे पता नहीं चला, मैंने उसे पानी भर के रखा था, तू उठा के ले गई। जब मैंने देखा, मैंने कहा बेवकूफ, असली वाले तो छुपा के रखे। वो कहते हो जाते ना, मैं पानी भर लेती हूँ ताकि गेस्ट को लगे बड़ा सामान है इसके पास। मैंने पाप तो किया ना? हाँ मैंने पाप किया। तो भी पाप कहाँ धोएगी? गंगा मैया में जाएगी, डुबकी लगाएगी, सारे तेरे पाप धुल जाएंगे। और सुन, ये तेरा बॉयफ्रेंड है कितना अच्छा है, तेरे लिए सोच रहा है, तुझे गोवा घुमाना चाहता है, बेवकूफ वो, इसको पता ही नहीं है कि कहाँ भेजू, यहाँ भेजू कि वहाँ भेजू, मतलब दिल से तो तेरे को प्यार करता है ना, क्या तू भी चाहती तेरी से शादी हो? हाँ चाहती है ना, तो तू मनसा देवी मंदिर जा, वहां जाके मन्नत मांगी, माता रानी मेरी शादी इसी से करना, मेरी शादी इसी से करवाना है। वहां पे मन्नत मांग के वहां धागा बांध किया, और शादी के बाद ना वो जाकर जाके धागा उसी के साथ जाके खोलियो, बांध के नहीं आएगी तो खोलेगी कैसे, बांधना भी तो पड़ेगा ना। हाँ तो मंदिर जा, प्रार्थना कर, अपने पाप दो, हर हर गंगे बोल, पवित्र कर अपने शरीर को, कुआं में जाके तो तू काली हो जाएगी पागल, और गंगा में जाके तेरा मन भी सुंदर हो जाएगा, तेरा तन भी सुंदर हो जाएगा, तेरा मन भी प्रसन्न, तन भी प्रसन्न, सब प्रसन्न, हर हर गंगे, हर हर गंगे। गोवा तो मैं कभी भी चली जाऊंगी, लेकिन इनके लिए मन्नत मांगना बहुत जरूरी है। हाँ मैं तो वही कह रही हूँ, गोवा मत जा, तू हरिद्वार चली जा, मनसा देवी मंदिर जा, राम झूला, लक्ष्मण झूला, ये सब देख, तेरी गौ जैसी बहन भी खुश, तू भी खुश। थैंक यू दीदी, आपने तो मेरी आंखें खोल दी। हाँ, और मुझे ये बता दिया। मेरी भी खोल दी बताकर डील्स वगैरह के बारे में। आपने मुझे ये बता दिया कि मेरे लिए कौन सा चीज अच्छा है। ऐसे तरह रंग खराब हो जाता है वहाँ जाकर, क्या करती है तू वहाँ जाकर, क्या करती बता, जब कोई होगा ही नहीं तो तू करेगी क्या, अकेले बैठ के किसको देखेगी, हरिद्वार में कितने लोग होंगे, कितनी रौनक होगी, कितना मजा आएगा, वहाँ पे जगह जगह मार्केट है, तू जाके अपने लिए वहाँ पे माला खरीदियो, अंगूठी खरीदियो, और छोटे छोटे भगवान जी आते वो खरीदियो, है ना, प्रसाद खरीदियो, आम पापड़ खरीदियो, आम पापड़ आराम लड्डू खरीदियो, कितना कुछ वहाँ पे, कुआ में क्या है, खाओ पियो ऐश करो, पता क्या मजा। फोन करते मना करते उसको, बोल तेरा हरिद्वार का बुक करा दो। हाँ ठीक है दीदी, करना कर फोन कर, हरिद्वार का बुक करा ले, बोल कैंसिल कर दो, हरिद्वार का बुक करा ले। हेलो, सुनो मेरे को ना गोवा नहीं जाना है, मेरे लिए ना आप ना हरिद्वार की टिकट बुक करा दो। हाँ नहीं पता नहीं, मुझे ना गोवा नहीं जाना है, तो आप प्लीज मेरे को हरिद्वार जाना है। जो भी आपके साथ जाऊंगी तो हरिद्वार भेज दो। हाँ
मैंने ये सोचा है ना कि जब गोवा जाएंगे ना तो हम दोनों साथ में जाएंगे शादी के बाद। अभी तो हरिद्वार ही सही है, वहाँ पे तो हर एक मन्नत पूरी हो जाती है। ठीक है, आप करवा देना ना, पक्का ना। थैंक यू, बाय। वो भी खुश हो गया होगा, पैसे बच गए ना उसके। अच्छा ये पानी ला, क्या चाय बना दे, चाय बना दे जरा, जा चाय बना, चाय। हेलो सुनो, तुम्हें पता है या तुम तो बड़े खराब हो, तुम कुछ चेक वेक करते हो कि नहीं करते हो? अपनी डील लेकर आ गए। अब मेरी डील सुनो, गोवा की एयरलाइन चेक करनी पड़ेगी, वो डील निकली हुई है कि जाने के टिकट के पैसे दो, आने की फ्री। और ताज होटल की डील निकली हुई है, 2 दिन का स्टे बुक कराओ और 2 दिन का फ्री। मुझे नहीं बता, मुझे हरिद्वार नहीं जाना, गोवा बुक करा लो। घर आना ना अगर तो गोवा बुक करा के आना, परसों ही जाना है गोवा। हाँ हाँ हाँ, सच्ची कह रही हूँ, सच्ची कह रही हूँ। अरे कन्फर्म कह रही हूँ ना, आप बुक कराओ। ठीक है चलो, ठीक है, ओके बाय। सूट वूट रख देती हूँ, निकले निकालती हूँ अब तो।